नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओम श्री गोट फार्म पे। मैं आया हूँ, ये अपना बोयमस स्टेट फार्म है। ये भी बहुत अच्छे से जो है बनाया है इन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ जो है प्रदर्शन के लिए लगाए हैं। और अपन चलेंगे और जानेंगे इनके घोड़े के बारे में। बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने लगा रखा है पुष्कर में, और पुष्कर के लिए ये मेन जो है मोतीसर रोड पे इन्होंने लगाया है। आप आ सकते हो, देख सकते हो घोड़े के बारे में। तो इनके जो फार्म के ओनर हैं उनसे भी अपन बातचीत करेंगे, मिलेंगे। बहुत अच्छा है जो इन्होंने बना रखा है। दोस्तों अपन पहुँचे हैं पुष्कर में, और यहाँ बहुत ही जो अच्छे से इन्होंने सजा रखा है, ये बहुत ही अच्छा जो है पुष्कर की रौनक जो बढ़ा रहा है वो है। और चलते हैं और बात करते हैं इनसे, बहुत ही अच्छे से इन्होंने जो बना रखा है वो वाला। नमस्ते भाई जान। नमस्ते भाई, ज़्यादा नज़दीक मत रखना इसकी। तो नमस्कार, मैं स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप अपने ये जो है पुष्कर की रौनक बनाए रखा है, जो अभी फर्स्ट में मैं देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा जो लुक आपके जो है घोड़ों का, और बाहर से जो देखने वाले आए हैं, तो एक बार अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हो और कौन से ये फार्म से आए हैं इतने खूबसूरत जो घोड़े हैं वो। मियासा स्टेट फार्म रोहिणा जी, नागौर में। नागौर में अमोलक। तो ये कितने में देख रहा हूँ जो हाइट है पूरे पुष्कर में जो ये है देखने लायक बन रहा है, तो हाइट आप बता सकते हो कितने क्या है, और इसके बारे में जरा डिटेल से थोड़ा बताएंगे। ये 69 तो हाइट है इसकी जी। इसका फादर है देव जी, और इसकी मदर है गणगौर। गणगौर जी। और इसके बारे में जो हाइट कितनी बताई आपने इसकी? 69। और कितने ये मतलब जो है जीता हुआ है शो, और क्या इसका जो है लगाया? नहीं, अभी कभी भी नहीं लगाया। और भी होंगे आपके पास घोड़े? 17-18 जानवर है। तो ये मोतीसर रोड पे आपने लगा रखा, तो ये फोर सेल के लिए भी है? नहीं, अच्छा, प्रदर्शनी के लिए लाए, मेले की जो है रौनक बढ़ाए। तो और अच्छा, रिंग में लगाओगे? तो रिंग में क्या नाम है उसका, जो आप जो रिंग में लगाओ, तो उसके बारे में अभी है यहाँ, वो उसके बारे में भी अपन को है जो जानकारी मिलेंगी जी। और जो घोड़े हैं उनके बारे में आप जी? प्रिंस की है ये? प्रिंस की घोड़ी है क्या? ये भी बहुत अच्छी है। तो ये रिंग में लगाओगे, तो इसमें आगे कोई रिंग जीती हुई है शो में? नागौर में जीती हुई। नागौर में, तो वहाँ प्रथम स्थान क्या है इन्होंने? प्रथम स्थान, क्या नाम है इसका? निराली। ये भी बहुत अच्छी है, और वाकई ही घोड़ों की है जो पुष्कर में आप आके पुष्कर की जो शान बढ़ाए हो घोड़ों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इधर ये वाली, ये तो अभी परचेज की है, अभी लिए हो यहाँ से? ये भी बहुत खूबसूरत है। 20 मिनट हुए हैं। कितने की लाए हुए? पैसे तो 7 लाख की कुछ है। 7 लाख की, तो ये अच्छा अच्छा रखी है जी। और उधर अपन चलते हैं बाकी घोड़ों के पास में, तो जो नहीं, वो तो अभी लेके आए हैं, अभी खरीद के लेके आए हो, किसी दूसरे के बांध रखे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी जो दूसरा वाला जो रिंग में उतारे वो घोड़ा अभी गया हुआ है? बाहर गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी अच्छी जो जानकारी दी है, और आशा करता हूँ कि यहाँ जो लोग हैं आपको घोड़ों को है जो देखने का सौभाग्य जो प्राप्त करें, और यहाँ आए और बहुत ही अच्छे जो घोड़े हैं वो देखें आप। धन्यवाद। ये आ रहा है रिंग शो के लिए, बहुत ही अच्छा जो प्रदर्शन है वो है। और बात करेंगे अभी रिंग शो में जो है वो उतरने वाली है ये, और बहुत ही अच्छा जो है वो है। और बात करें अपन ओनर की, तो ये इनके सामने ही जो खड़े हैं इनके ओनर हैं, और बहुत ही अच्छा जो घोड़ा है वो है। हाँ, ये रिंग शो में उतरने वाला है जो यही है जी। तो लाइए इनको जरा इधर इस साइड पे खड़े कर लीजिएगा।
जी, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल बताएंगे मुझे? ये दिलबाग का है। दिलबाग का, अभी रिंग शो में यही उतरेगा? ये इसको लगाएंगे दो दांत। दो दांत में। तो ये अभी कितने, क्या इसकी हाइट है? साढ़े तिरसठ है। और ये है जो रिंग शो में उतरने वाला है, और आगे भी उतरा है ये? पहले रणसी में विनर था। रणसी में, जोधपुर रणसी। ये आपके उधर? अच्छा अच्छा, वहाँ भी बहुत इन्होंने प्रथम स्थान ग्रहण किया है। बाकी जो देख रहे हो बहुत ही अच्छे से जो है घोड़ा है। बात करें अपन इसकी जो रिंग शो में उतरने वाला है, तो आप यहाँ आए इनके घोड़े के बारे में और देख सकते हो बहुत ही अच्छे से जो है है। और ये तो ये फोर सेल के लिए तो नहीं है? नॉट फोर सेल, केवल रिंग के लिए। तो आप ये फोर सेल के लिए नहीं है, केवल और केवल आप इनके जो है दर्शन के लिए आ सकते हो, जो देखने के लिए वो आ सकते हो। और बात करें सारे घोड़ों की, तो मेरे ख्याल से ये सभी घोड़े नॉट फॉर सेल के लिए हैं। बाकी रिंग शो और ये जो है प्रदर्शन के लिए आप आ सकते हो, देख सकते हो। तो इनके जैसे घोड़ियों के लिए, ब्रीडिंग के लिए वो तो कर सकते हैं ना? अभी चालू करेंगे। अब चालू करेंगे, अगर कोई आना चाहे तो आपके कॉन्टेक्ट नंबर हो, जैसे हमारे व्यूअर्स है, तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए आपके। 9660 जी 183100 जी। तो ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, और एक बार फिर से आप बता दीजिए कॉन्टेक्ट नंबर। 9660 जी 183100 जी। बहुत अच्छे से इन्होंने जो यहाँ है प्रदर्शनी के लिए लगा रखा है, बहुत ही अच्छा जो है वो इन्होंने कर रखा है। तो जो ओनर है वो वही है, क्या नाम है उनका? नारायण सिंह जी राठौड़। वो वहाँ जो है फोन पे बात कर रहे हैं अभी, उनसे लगता है बात नहीं हो पाएगी अपनी जी। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी।